हे हाई ऑल वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो और आप सबके लिए फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ आज मेरे साथ आकृति है और बेसिकली आकृति भोपाल से बिलोंग करती है एंड आकृत ने अभी रिसेंटली सी एम ए क्वालिफाइड किया था बट बाईस सब लग कैंपस नहीं हुआ बट uh, आकृत ने होप नहीं छोड़ा एंड सी वर्क हार्ड फॉर ऑल कैंपस एंड फाइनली सी सिक्योर्ड हर फर्स्ट जॉब इन एसेंचर एज ए सी एफ एम एंडिस्ट और सी ऑल्सो सिक्योर्ड ए गुड हैंडसम सैलरी पैकेज ऑफ कैंपस में हम डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं, नहीं कर सकते बट यू कैन एक्सपेक्ट जो एवरेज पैकेज होता है फ्रेशर सी एम ए का कैंपस में उससे अच्छा पैकेज आपको मिला है सो हाई आकृति कैसे हो आप हेलो सर मैं काफी अच्छी हूँ और आप कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करना और आपने इनवाइट किया तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू जॉइन यू सो सो आकृति लाइक आपको अभी जैसे रिसेंटली ऑफर मिला है तो लाइक like, वो डे आपके लिए कैसा था जब आपके हाथ में वो ऑफर आया जब आपने वो फील कैसा आ रहा था uh, सब फील तो अनरियल था आई वॉज एक्सपेक्टिंग जितना मैंने सैलरी रेंज उनको बोला था वो उसमें ही मुझे पैकेज मतलब ऑफ़र करेंगे बट ऑफर उन्होंने कई थोड़ा सा ज़्यादा किया सो so, ऐसा कभी होता नहीं है हमें हमेशा नैगोशिएट करना पड़ता है आपने काफ़ी अच्छे से नैगोशियशन बताया था हमें नेगोशिएट करना है आप ये सब बोल सकते हैं बट जो उन्होंने ऑफ़र किया वो थोड़ा ज़्यादा था तो इट वॉज समथिंग लाइक डिफरेंट मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ मुझे मिला तो काफी अनरियल था पूरा सिनेरियो एंड आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इट फॉर फ्यू मिनट्स लाइक हाँ ये भी हो सकता है अच्छा एंड दैट टू इन ऑफ कैंपस यस सब या अच्छा उस मोमेंट पे कभी ऐसा लगा कि आप मुझे थैंक्स बोलने के लिए <laughs> कुछ फीलिंग आई <है। laughs> हाँ सर सबसे पहले मैंने घर पे बताया और उसके बाद मैंने सबसे पहले आप ही को बताया मैं वेट कर रही थी कि जब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लेकिन Uh, आपको कॉल ही लग पा रहा था उस टाइम पे इस वजह से मैंने पहले घर पे बताया ही तो मेरे मन में यही चल रहा था मैं सबसे पहले आपको बताऊं कैसे आपने पूरी तैयारी करवाई थी शुरू से लेकर और कितने अच्छे से काम आया और मैं भी इसको पूरा कर पाई ऐसा ही ऐसा होता है कि आप बता देते हैं और हम उस पर वो नहीं कर पाते राइट राइट right, right. समझाया था कि दैट आई वॉज एबल टू एग्जीक्यूट एवरी वेल एंड सो मैं वे और एवरीथिंग थैंक्स और आ, सबसे बेस्ट थिंग ये है कि उस दिन तीन स्टूडेंट का और तीनों का सेंचुर में सिलेक्शन हुआ और सेम पुणे लोकेशन के लिए हुआ तो ये सबसे अच्छी बात है आपको लाइक न्यू नहीं लगेगा आप सारे तीन लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो तो एक लोकेशन पे आप मिलोगे तो आई थिंक वो आपके तो लिए अच्छी रहेगी आपकी सेंचुर जर्नी भी अच्छी जाएगी और प्रोफाइल भी सेम है आप तीनों का तो सर हमें स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी का या बोलो आप कुछ बोल लेते हैं बात हो गई है ना हाँ सर हाँ हाँ मेरी बात हो गई है तीनों से हमारी बात चलती रहती है अभी मुझे नहीं पता था कि वो लोग भी उन लोगों का भी हुआ है अब ये है कि हम लोगों को अच्छे से वो मिल जाएगी कंपनी मिल जाएगी तीनों के साथ में और हम सब साथ में कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं तो

राइट 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 अच्छा लाइक मेरी मतलब देखो मेरा यही थाट था कि जिनका कैंपस नहीं हुआ उनको ऑफ कैंपस में भी उतना हेल्प सपोर्ट करे कि वो उस चीज़ को अचीव कर सके बिकॉज uh, मेरा खुद yes, का भी कैंपस नहीं हुआ था आई कैन फील पेन कि कैसा फील होता है कि जब कुछ चीज़ें इंसान चाहता है और उसको नहीं मिल पाता है तो वो सारी चीज़ें मैंने yes. फेस कर रखी है <laughs> तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी सबसे पहले लाइक like आपने CMA कोर्स कैसे आपने ज्वाइन किया आपने फाउंडेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी राइट तो okay, वो जर्नी कैसे yeah. स्टार्ट कैसे हुई ओके सर सो आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट आई वुड से बिलो एवरेज इन मैथ्स एंड साइंस व्हेन आई वाज इन 9th इन 10th सो आई वॉज लाइक समथिंग दट मैथ साइंस तो मुझे लेना नहीं है मुझे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है सो so, सबसे सिंपल ही क्या है हमारे स्कूल में आर्ट्स था नहीं क्योंकि काफ़ी कम बच्चे लेते थे तो उस पर हटा दिया था सो आई वॉज लाइक मैं मैं कॉमर्स दूँगी सो वैन आई टुक कॉमर्स सो अल्टीमेटली माई इंटरेस्ट हैज़ इंक्रीज एंड आई वॉज परफॉर्मिंग गुड अकेडमिकली एंड आईव ऑल्सो गॉट लाइक आई हैव स्कोर्ड हाईस्ट मार्क्स Uh, in accountancy and business studies, so in uh, continuously I was uh, from the average student I was kind of topper, so uh, uh, that was. सी एम ए सो माई टीचर्स टोल मी टू डू सी एम ए आई लाइक सी ए भी कर सकती थी मैं बट उन्होंने कहा सी ए भी अच्छा है बट सी एम ए में भी काफ़ी स्कोप है एंड माई टीचर ही इज ऑल्सो आज सी एम ए इंटर क्वालिफाई ड्यू टू सम रीज़न ही कैन नॉट क्वालिफाई द फाइनल सो ही टोल मी दैट यू गो फॉर सी एम ए एंड उन्होंने ही मुझे इनिशियली पूरा गाइड किया कैसे हमें देना पड़ता है uh, इंटर जो लेवल्स होते हैं और फाउंडेशन uh, में सबसे पहले तुमको uh, रजिस्टर करना पड़ेगा तो उन्होंने मुझे इनिशियली बताया था तो उन्हीं के सपोर्ट से फिर मैंने सी एम ज्वाइन किया एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो सर्च अबाउट इट आ लॉट सो उनको भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस बारे में कोर्स के बारे में सो दैट्स हाउ आई गेट अनरोल्ड इन सी एम ए एंड वंस है सी एम ए सो मैंने काफ़ी लोगों को सुना कि वो छोड़ देते थे या फिर वो जॉब करने लगते थे तो सी एम ए कम्प्लीट नहीं कर पाते थे तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल यही था कि मुझे सी एम ए कम्प्लीट करना है आई वॉन्ट दैट सी एम ए नेम टैग इन फ्रंट ऑफ माई नेम सो दैट्स दैट वॉज द बिग्गेस्ट मोटिवेशन सी एम ए करने का और ख़त्म करने का एंड या सो ऐसी जर्नी थी अच्छा फिर आपका लाइक फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था राइट uh, हाँ फाउंडेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था हाँ ओके okay, आपको फिर चैलेंजेस किस लेवल पे आए थे इंटरमीडिएट या फाइनल आई वुड से इंटरमीडिएट में भी आए थे एंड फाइनल लेवल पे थोड़े ज्यादा आए थे ड्यू टू कोविड एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसके वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड इंटर लेवल पे मुझे कॉलेज कॉलेज के साथ साथ मेरा फुल टाइम था तो उसके थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी क्लासेस को मैनेज करना और एग्जाम्स देना तो वो उससे ज्यादा मुझे फाइनल में फेस करना पड़ा तो अच्छा तो लाइक फाइनल like, में ज्यादा अगर इन शॉर्ट पूछे तो आपके अटेम्प कितने लगे लाइक इंटरमीडिएट लेवल पे इंटरमीडिएट में मेरा जो सेकंड ग्रुप था वो फर्स्ट अटैम्प में क्लियर हो गया था और जो फर्स्ट ग्रुप था वो मेरा थर्ड अटैम्प में क्लियर हुआ था तो यस uh, सर yes, और लाइक दो अटैम्प्ट लगे थे थर्ड में आई वाज एबल टू क्लियर इट एंड आफ्टर दैट आई डर्न माई आर्टिकल शिप एंड आफ्टर आर्टिकल शिप मुझे फाइनल में uh, जो मेरा फर्स्ट ग्रुप था उसको मेरा दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और जो थर्ड ग्रुप था उसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया फोर अटेम्प्ट मुझे लग गए थे उसमें ड्यू टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन यस सर ओके सो तो आपने इंटरमीडिएट में आपके पेपर के बाद आपने अपने इंटर्नशिप की राइट यस सर इंटरमीडिएट के बाद हाँ ओके okay. सो so, जो आपने ट्रेनिंग की थी अपने फॉर्म से या कंपनी से की थी Uh, मैंने दोनों से किया हुआ है अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग है सिक्स मंथ थे वो मैंने फॉर्म uh, से किया था योगेश चौरासियाना सेट्स एंड उसके बाद मैंने एग्जाम्स uh, दिया था अपने एग्जाम्स के लिए मैंने न, मतलब एग्ज़ाम uh, पे फोकस किया एक साल उसके बाद फिर मुझे ट्रेनिंग uh, मिली थी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था uh, वहाँ से अपना आर्टिकलशिप एक साल की की थी इंटर्नशिप सॉरी ओके ओके इट मीनस आपके लाइक like, अटैम्प लगे उसके बावजूद भी आपने फॉर्म में आपको ट्रेनिंग मिली प्लस आपकी ट्रेनिंग पी एस यू से भी हुई तो वो सारे स्टूडेंट जो ये सोचते होंगे सिर्फ जो रैंकर्स को ही पी एस यू में चांस मिलता है ऐसा नहीं है आपके सामने एग्जाम्पल है आप सीख सकते हो चीज़ों से दूसरा हम बात करते हैं लाइक अच्छा आपके कैंपस में क्या शॉर्ट लिस्टिंग्स आपकी आई थी मुझे एक्जली भी याद नहीं आ रहा हाँ मुझे शॉर्ट लिस्टिंग दो ही कंपनी से आई थी दे uh, आने वाली होती है company, है है कंपनी कंपनी हमें पता जो पहले के दिन दिन सारे रैंकर्स जाते हैं अगले uh, लाइक वाले लास्ट लोगों को मौका मिलता सो so, uh, में में मतलब एक के सभी को मौका दे रही थी सो दीजन शॉर्ट लिस्टिंग किया था कैंपस में इंटरव्यूज यस yes, मैंने अटेम्प्ट किया था ओके okay. तो वहाँ पे so, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई थी लाइक मिस्टेक आई डोंट नो इफ यू टॉक अबाउट होल सिम आई वाज एबल टू क्लियर ऑल द लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टेकन द ऑनलाइन टेस्ट यस एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट थर्टी मिनट्स का टेस्ट था और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी था उसमें तो इन टोटल थर्टी क्वेश्चन थे सो आई वॉज एबल टू क्लियर इट एंड आफ्टर दैट एक एक्सेल राउंड था एक्सेल एंड आ, उन्होंने वी वीलुकअल तो सब बच्चों को जिन लोगों को उन्होंने डायरेक्ट सेलेक्ट करना था उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और, और फिर उन्होंने आ, लिस्ट में नाम लिया था लोगों का तो मेरा नाम उसमें नहीं आया था तो शायद एच आर राउंड में ही थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी मुझसे या फिर अच्छा उसका पैकेज क्या था उसका पैकेज जो सेविन लैग्स था सेविन एलपी है तो आई थिंक आजा yes, खुश होगे कि अच्छा हुआ रिजेक्ट हो गए जी उससे तो काफी ज्यादा ही yes, तो चलो कुछ yes, चीजें कुछ बुरा भी होता है तो अच्छे के लिए हो जाता है लाइक like, लाइफ like में मुझे yes. लगता है ये फर्स्ट ऐसा बुरा चीज़ है जो अच्छे के लिए हुआ है

तो लाइक आपने अपने जर्नी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लिए और सारी चीज़ें हुई भी और फिर फाइनली आपको भी वही चीज़ें अचीव चीज़े हुई जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को होते हैं तो आपने सोचा था कि लाइक आपके जर्नी इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगी सर आई वॉज वर्किंग रियली आर्ट ऑल दो मेरे अटैम्प्ट लगे बट मैं नहीं चाहती थी, थी कि मेरे अटैम्प्ट लगे एंड वट आर डेट वज चलिए अटैम्प्ट तो लगे अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते जैसा आपने मुझे बताया था जब पहली बार मेरी आपसे बात हुई थी आपने यही बोला था चलो अटैम्प्ट लग गया वो हम चेंज हम क्या चेंज कर सकते हैं जो हमें कंपनी कैसे हमें लेगी जो हमें चाहिए तो हमारा नॉलेज सब्जेक्टिव नॉलेज थियोरिटिकल नॉलेज एच आर राउंड क्लियर करने के लिए भी हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है एंड अब आर अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बताया था कि रोज जैसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं जो हुआ भी था तो उससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको नॉलेज भी मिलेगी ओवरऑल इकोनॉमी की तो सर ये सारी चीजें काफ़ी हेल्प हाँ करी uh, मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हुई और मुझे लगता है कि uh, जैसे असेंचर और मेरा इटन में भी हुआ था तो मैंने इंग्लिश के वजह से भी लिया अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव नॉलेज तो अः uh, ये सारी चीजें आप ही के वजह से हो पाई तो मुझे लग रहा है कि हाँ uh सर और तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है अटेम्प तो फर्स्ट रैंकर वाले करते हैं वो मुझसे नहीं हो पाया एक एक अटेम्प में लेकिन जो मुझसे मैं बाकी चीजों में इंप्रूव कर सकता तो सर वो मैंने किया एंड लास्ट hmm. मेरा होप यही था कि जो भी हो वो भगवान जैसा जाएंगे वैसा होगा बट हम कोशिश कर सकते हैं तो सर मैंने कोशिश कर, करती रही और अल्टीमेटली मुझे मतलब अच्छा मिल गया एंड हमेशा मुझे यही डाउट था कि मेरा है तो मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा सा आ, वो करती थी आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वर्ड अंडर एस्टिमेट के uh, यस सर कि मुझे तो नहीं मिलेगा मुझे आ, कम में ही थोड़ा सा करना पड़ेगा कर, अगर मुझे कम में ही जॉब मिलती है या कम आ, पैकेज में तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करके फिर इन फ्यूचर में अच्छा पैकेज पा सकती हूँ सो दैट वाज़ द माई अल्टीमेट रोल बट मुझे स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छा पैकेज मिल गया एंड ऑल थैंक्स गोज टू यू ओनली साइड क्योंकि अपार्ट फ्राम सब्जेक्ट एव नॉलेज बाकी और चीज़ें हमें चाहिए पड़ती हैं वो आपके वजह से काफ़ी इम्प्रूव हो पाए सो so, को आपको भी लाइक like, आपने ट्रस्ट किया मेरे मेंटरशिप और आपने ज्वाइन किया और आई थिंक जो कमिटमेंट मैंने आपको फर्स्ट डे दिया था वो शायद मैंने उसको फुलफिल भी किया यस yes, सर आपने काफी ज्यादा जितना आपने बताया था काफी ज्यादा आउटकम आपकी तरफ से मिला है जितना था मैं मुझे काफ़ी डर लग रहा था मैं ज्वाइन करूं कि नहीं ऑलरेडी आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप इंटर्नशिप एट अदर कंपनी सो मेरे पास टाइम की वैसे भी कमी थी तो बट आपने बताया कि नहीं आप करो ज्वाइन करो सो so, अगर मैं नहीं करती तो शायद इतना अच्छा नहीं मिल पाता कम में मुझे करना पड़ता बट बिकॉज ऑफ यू एंड हाउ टू अप्लाई नौकरी डॉट कॉम एज वेल एंड लिंक इन प्रोफाइल कैसे अपडेट करे अपने आपको कैसे अपडेट रखे अपने आपको कैसे प्रेजेंट करे सो so, ये सब भी काफी हेल्पफुल था सर अच्छा आप आप अपने लाइफ के अप एंड डाउन से स्टूडेंट्स को कैसे सजेशन देना चाहते हो ओके अप एंड डाउन से आई वुड से के जैसा हम लोग आ, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते वक्त इंस्टीट्यूट को खोजते हैं कि इंस्टीट्यूट में अच्छा हमारे पास आ, बुक्स नहीं है काफ़ी मिस्टेक्स हैं हाँ स्टडी मटेरियल्स काफ़ी ख़राब मतलब काफ़ी मिस्टेक्स हैं अपडेटेड नहीं है तो वो थोड़ी इंस्टीट्यूट की गलती है और अगर हम उसको नज़रअंदाज करें इंस्टीट्यूट उससे भी ज़्यादा हमें देता है और आगे देगा भी तो आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि इंस्टीट्यूट हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा है हमें लगता है ऐसा कि कुछ नहीं कर रहा है लेकिन इंस्टीट्यूट अपने तर, अपने तरीके से काफ़ी हमें हेल्प कर रहा है तो इन सब बातों पर ना जाके आप पूरे अपना अपना हंड्रेड परसेंट एग्ज़ाम्स दे आगे दे और एक बार और बार और एग्जाम करिए एग्जाम और जो आपके लिए आगे वेट कर रहा है वो काफी ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल है आपको जितना आप अभी सोच पा रहे हैं मेरे केस में तो यही मुझे अभी तक मिला है एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट एंड मैं आपकी तो बता ही चुकी हूँ एंड एवरीवन हु हैव हेल्प मी इन दी जर्नी लाइक माय टीचर्स सी टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट आल्सो सो थैंक्स थैंक्स एंड होप सो कि आप अपनी जर्नी एंजॉय करो और फ्यूचर में भी आप सारी अचीवमेंट और लो एंड मेरे से आप कनेक्टेड है ना कभी you, भी आपको लगता है कि मुझे कहीं सपोर्ट चाहिए यू कैन कनेक्ट मी आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू सो थैंक यू सर थैंक्स अगेन आपकी तो हेल्प तो हमेशा लगनी है यार डेफिनेटली yeah, देखो मेरा हमेशा यही टारगेट और आपने फर्स्ट डे से नोटिस किया होगा मैं कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं होने देता मेरा हमेशा ये टारगेट होता है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो बिकॉज पास्ट को हम नहीं बदल सकते मेरा हमेशा यही है बट हम फ्यूचर को प्रेजेंट से हम बदल सकते हैं और जरूरी नहीं कि हमारा पास्ट जैसा था फ्यूचर भी वैसा हो ही होगा हमारा पास्ट कभी फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता बट हमारा प्रेजेंट जरूर हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है सो जस्ट उसी चीजों पे मैं भी काम करता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मेरे से कनेक्टेड है वो सारी इसी चीजों को फॉलो करे बी प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचो लाइफ में आगे बढ़ो मैं ये कह रही थी ट्रूथ ऐसे ही हमें करना चाहिए और इसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए पास को ना सोच के फ्यूचर को सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए सो दैट्स इट बाय